हाय दोस्तों, मैं मंगला प्रसाद निषाद आपका हमारे YouTube चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे आप लोगों के जो टाइम टेबल आए हैं उसके बारे में। तो इस टाइम टेबल को लेके काफ़ी छात्रों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस प्रकार से उनका पेपर होगा, कौन से ईयर वालों का पेपर होगा, किस प्रकार से एग्ज़ाम कराया जा रहा है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और आप पूरा अच्छे से समझ जाएंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों सेमेस्टर एग्ज़ाम, जिनका सेमेस्टर एग्ज़ाम है दोस्तों उनके बारे में, और जिनका सेमेस्टर में बैक लगा है क्या उनका पेपर होगा। जी हाँ, उनका भी पेपर होगा, उनके टाइम टेबल भी आ गए हैं। और साथ ही साथ प्लस एनुअल, जिनका एनुअल एग्ज़ाम चल रहा है, जैसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दो हर साल में एक बार एग्ज़ाम होता है, उनके भी बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। आपको यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद परेशानी नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगा कि किसका एग्ज़ाम देना है, किसका एग्ज़ाम नहीं देना है। तो यह जो आप देख रहे हैं, पहले भी दोस्तों पेपर कराया जा चुका है आपके, जिसमें प्रैक्टिकल का और इंजीनियरिंग ड्राइविंग का एक बार पेपर हो चुका था। तो क्या सभी राज्यों में फिर से कराया जाएगा? ए बी डाउट जो है काफ़ी सारे बच्चों के अंदर उठ रहे थे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, जिन लोगों ने, जिन राज्यों में आपका एग्ज़ाम हो गया था, चाहे वह इंजीनियरिंग ड्राइविंग का रहा हो, चाहे आपके प्रैक्टिकल करा हो, उन राज्यों में फिर से प्रैक्टिकल नहीं कराया जाएगा। और हाँ, जो बच्चे रह गए हैं, जिन बच्चों का बैक लगा था या छूट गए थे, सेमेस्टर वाले थे, उनका जो है इस बार भी करा दिया जाएगा। और दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा या जो शिफ्ट शेड्यूल आया है या जो आया है वह किस वर्ष के लिए आया है। तो दोस्तों, सबसे पहले यह जो है, कुछ राज्य हमारे छूट गए थे, जैसे आपके हो गए दिल्ली, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और गुजरात। दोस्तों, ये जो शिफ्ट शेड्यूल है यह पांच राज्यों के लिए है। जी हाँ, इन पांच राज्यों में जो छात्र हैं उनका अभी जो है प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइविंग की परीक्षा नहीं कराई गई थी, तो उनके लिए जो है यह टाइम टेबल है। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। अगर आपका बैक है या किसी कारणवश आप पेपर नहीं दे पाए हैं, तो आप भी वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपका जो पेपर है वह किस प्रकार से कराया जाएगा। तो यह जो टाइम टेबल आप देख रहे हैं दोस्तों, यह टाइम टेबल जो है किसका है? तो यह टाइम टेबल जो है सेमेस्टर सिस्टम वालों का है। जी हाँ, जिनका सेमेस्टर सिस्टम के तहत तो परीक्षा कराए हैं, उन लोगों के लिए है। तो सेमेस्टर सिस्टम जो है दोस्तों, आपको पता है कि बंद कर दिया गया है 2018 से। तो 2018 से पहले के जो छात्र हैं, जी हाँ, 2018 के पहले के जो छात्र हैं उनका पेपर कराया जाएगा। तो 2018 के पहले के छात्रों का जो पेपर होगा उसमें किसका होगा दोस्तों? उसमें जो होगा वो सेमेस्टर एग्ज़ाम, और जो सेकेंड ईयर में है। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान में रखें कि कौन कौन से वर्ष वालों का होगा। तो यह पेपर जो है दोस्तों, जिनका एडमिशन जो है 2018 में हुआ था, आप एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, जिनका एडमिशन जो है 2018 से हुआ था और उनका कोर्स जो है दो वर्ष का है, जिनका एडमिशन 2018 से हुआ था और उनका कोर्स जो है दो वर्ष का है, उनकी परीक्षा होगी साथियों। और जिनका एडमिशन 2019 में हुआ था या 2019 के पहले हुआ था, उनका कोर्स एक साल का है, तो उनकी परीक्षा होगी। उनका टाइम टेबल ये है। तो आप इसमें समझ में आ गए होंगे किन किन छात्रों की होगी, अब कैसी कैसी होगी, किस प्रकार से होगी, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो 5 फरवरी 2021 फ्राइडे के दिन जो परीक्षा होगी दोस्तों, यह सेकेंड सेमेस्टर वालों की होगी और 10 बजे से होगी। उस दिन जो पेपर होगा दोस्तों, वह है आपका इंजीनियरिंग ड्राइविंग का पेपर होगा। जी हाँ, इंजीनियरिंग ड्राइविंग का पेपर होगा, चाहे आप टिक के हैं या नॉन टिक के हैं। उसके बाद दोस्तों, उसी दिन आपके जिनका बैक लगा था या किसी कारणवश छूट गया था, फर्स्ट ईयर वाले, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनका भी परीक्षा होगा, और उस दिन उनका भी इंजीनियरिंग ड्राइविंग की परीक्षा होगी। उसके बाद दोस्तों, फिर 2 बजे से 2:30 बजे से परीक्षा जो होगी फ्राइडे के ही दिन 5 तारीख को ही होगी। उस दिन दोस्तों थर्ड सेमेस्टर वालों की, जी हाँ थर्ड सेमेस्टर वालों की इंजीनियरिंग ड्राइविंग की परीक्षा होगी। और जिनका ईयर में, जो साल भर में एक बार एग्जाम देते हैं, उसमें दोस्तों जो सेकेंड ईयर में है, जो द्वितीय वर्ष में है, उनकी भी परीक्षा इंजीनियरिंग ड्राइविंग कराई जाएगी। उसके बाद दोस्तों, अब हम नीचे आइए, नीचे बात करते हैं 6/2/2021। जी हाँ, जे
6 तारीख को परीक्षा कराई जाएगी। सैटरडे के दिन 10 बजे से जो परीक्षा होगी उसमें फोर्थ सेमेस्टर वालों की परीक्षा होगी। और क्या होगा दोस्तों, उसमें इंजीनियरिंग ड्राइविंग की परीक्षा होगी फोर्थ सेमेस्टर वालों की। और उस दिन दोस्तों जो है ईयर एग्जाम वालों का परीक्षा नहीं कराया जाएगा, जो साल में एक बार देते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं 8 तारीख को जो परीक्षा कराई जाएगी मंडे के दिन 9:30 बजे से, वह प्रैक्टिकल की परीक्षा कराई जाएगी फोर्थ सेमेस्टर वालों की, जिनका बैक रह गया था या जो छूट गए थे उनकी परीक्षा कराई जाएगी ट्रेड प्रैक्टिकल की। और दोस्तों उसी दिन द्वितीय वर्ष, जी हाँ द्वितीय वर्ष के छात्रों की ट्रेड प्रैक्टिकल की परीक्षा कराई जाएगी। उसके बाद 9 तारीख को 9:30 बजे से दोस्तों थर्ड सेमेस्टर वालों की जो है ट्रेड प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी। और उस दिन जो द्वितीय वर्ष वाले ट्रेड प्रैक्टिकल की परीक्षा दिए हैं उस दिन वो क्या करेंगे दोस्तों, उस दिन वो जॉब को बनाएंगे और उसके बाद अगले दिन ले जाके जमा करेंगे। फिर दोस्तों 10 तारीख वेडनेसडे को 9:30 बजे से जो परीक्षा होगी वह दोस्तों द्वितीय सेमेस्टर वालों की होगी और ट्रेड प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी। आप इसको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने इस टाइम टेबल को। और फर्स्ट ईयर वालों की उस दिन जो परीक्षा होगी वह ट्रेड प्रैक्टिकल की परीक्षा कराई जाएगी। तो हम इसमें अभी बात करेंगे, तो अभी हम सेमेस्टर के एग्जाम वालों की बात कर रहे थे, अभी हम एनुअल एग्जाम वालों में बात करेंगे। और दोस्तों जिनका परीक्षा जो है 11/2/2021 में कराया जाएगा वह थर्सडे के दिन 9:30 बजे से होगा और फर्स्ट सेमेस्टर वालों के ट्रेड प्रैक्टिकल का परीक्षा होगा। और उसके पहले दोस्तों उसके पहले दिन आपने देखा कि फर्स्ट ईयर वाले ट्रेड प्रैक्टिकल की जो है परीक्षा दिए थे और उनको अगले दिन जॉब बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था सेमेस्टर एग्जाम वालों का। अब हम आइए बात करते हैं कि जिनको एडमिशन एनुअल सिस्टम के अंतर्गत हुआ है और 2018 और 2019 से पहले का एडमिशन हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखे भी है अगस्त 2018 में जिनका एडमिशन हुआ है और अगस्त 2019 में जिनका एडमिशन हुआ है और वो 1 वर्ष के छात्र हैं, तो उनके लिए यह टाइम टेबल है। तो देखते हैं इसमें, इसमें जो 5 तारीख को परीक्षा कराई जाएगी दोस्तों फ्राइडे के दिन 10 बजे से होगा फर्स्ट ईयर वालों का, जी हाँ फर्स्ट ईयर वालों का, ऑल जितने भी ट्रेड हैं सभी ट्रेड के सेम मतलब इंजीनियरिंग ड्राइविंग की जो है परीक्षा कराई जाएगी। और 5 तारीख को 2:30 बजे से जो है परीक्षा सेकेंड ईयर वालों के इंजीनियरिंग ड्राइविंग की परीक्षा होगी। अर्थात दोस्तों फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के इंजीनियरिंग ड्राइविंग की जो परीक्षा कराई जाएगी वह 5/2/2021 को कराई जाएगी। उसके बाद नीचे आइए हम बात करते हैं आपका 8, 9, 10, जैसा कि पता है परीक्षा जो है 3 दिन होती है, तो 8 तारीख को 9 तारीख को और 10 तारीख को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के दिन 9:30 बजे से जो प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी दोस्तों वह द्वितीय वर्ष वालों के लिए होगी। अर्थात द्वितीय वर्ष बोले तो जिनका एडमिशन 2018 या उससे पहले हुआ था, तो ट्रेड प्रैक्टिकल ऑल ट्रेड जितने भी ट्रेड हैं सभी की परीक्षा होगी। उसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, आप देख रहे हैं 11, 12, 13, जी हाँ जिनकी परीक्षा जो है 11, 12, 13 की होगी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे के दिन दोस्तों 9:30 बजे से वो परीक्षा होगी और उसमें फर्स्ट ईयर के छात्र रहेंगे सभी ट्रेड वाले, जी हाँ एक ट्रेड की नहीं सभी ट्रेड वाले होंगे, ट्रेड प्रैक्टिकल की परीक्षा कराई जाएगी। तो ये रही दोस्तों शिफ्ट आपके जो शेड्यूल था टाइम टेबल का। तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पल पल की वीडियो की अपडेट हमारी आपको पहुँचती रहे और आपके सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जो है हमारे वीडियो में उपलब्ध है, आप वहां से प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।